स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मेरा नाम नचिकेत निशांत है और मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले कवर किया था सुंगा डायनेस्टी को, तो मैं आपको एक रिकैप कर देता हूँ कि मौर्यन अम्पायर खत्म होने के बाद पोस्ट मौर्यन अम्पायर में 6 नॉर्थ इंडिया में किंगडम्स उभर के सामने आते हैं और 4 साउथ इंडिया में किंगडम उभर के सामने आते हैं। तो सबसे पहले 6 नॉर्थ इंडियन किंगडम्स में हमने जो बात की थी वो बात की थी सुंगा डायनेस्टी की, और आज जो हम बात करेंगे दूसरा वो है इंडो ग्रीक्स, जो कि पाकिस्तान के पंजाब रीजन में सेटल हो गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इंडस वैली से लेकर मौर्यन अम्पायर तक हिस्ट्री की क्लास ख़त्म कर दी है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसे तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए क्रोनोलॉजी के रूप में उभर के सामने आएगी, जो आपको याद रखने में मदद करेगी। और लास्टली सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ना भूलें, ताकि आपको अपडेट आता रहे जो भी हम नया टॉपिक बनाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक्स। तो इंडो ग्रीक्स जो थे वो सबसे पहले इनका ओरिजिन मान सकते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेजन के लिए आया था और उसने पोरस से लड़ाई की थी, तो उसके बाद उसके कुछ सेनापति वहीं पे सेटल हो गए थे। और वो सेटल हुए थे कहाँ पे, तो बैक्ट्रिया रीजन में सेटल हुए थे जो कि आज का अफगानिस्तान है, तो यहाँ पे वो रह रहे थे। और लास्ट रूलर जो था सुंगा डायनेस्टी का, अगर आपको याद होगा तो सुंगा डायनेस्टी के खत्म होने के बाद जब उनकी डायनेस्टी जो है डिसइंटीग्रेट हो रही थी, मतलब खंडन हो रही थी, तो ग्रीक रूलर्स जो थे वहाँ पे अफगानिस्तान वाला रीजन में, वो धीरे धीरे करके इंडिया मूव करने लगे। सबसे पहले गंधारा रीजन, तक्षशिला वाला रीजन, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे करके विदिशा तक पहुँच गए थे। तो ये इंडो ग्रीक्स के रूल का आपको एक मैप में बता दिया। और सबसे पहले बात करते हैं आजूस। तो आजूस जो था इसने सासारमन को मारा, और सासारमन कौन था, तो सासारमन कानवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और इसको मार के उसने जो है कैपिटल विदिशा तक इंडो ग्रीक रूल का एक कह सकते हैं कि मथुरा रीजन से पहले विदिशा तक इन्होंने इंडो ग्रीक रूल का प्रचार कर दिया था, मीन्स कब्जा कर लिया था। और इनका कैपिटल था सियालकोट, जो कि अभी के पंजाब रीजन में पाकिस्तान में है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण रूलर की बात करें तो वो है मिएंडर, और मिएंडर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे पहले रूलर जो थे ग्रीक इंडो वाले रूलर, जिनको नाग सेना नामक एक मॉन्ग जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था। और उसके बाद मिएंडर ने एक किताब लिखी मिलिंद पान्हो, जिसमें कि मेनली चर्चा है नाग सेना और मिएंडर के बीच बुद्धिज्म, और उसके बीच जो उभर के सामने आते हैं बुद्धिज्म में जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो मिएंडर नाग सेना से पूछता है। तो उन्हीं सब बातों को कंपाइल करके मिएंडर ने जो बुक लिखी वो है मिलिंद पान्हो। और इन्हीं के टाइम में ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस जो होते हैं वो सुंगा किंग भागा भद्रा होता है, तो उसके दरबार में ये एम्बेसडर आते हैं। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हेलिडोरस ही गरुड़ा टावर विदिशा में बनाते हैं जो कि बेस नगर में है। तो आपको ये याद रखने वाली बात है कि गरुड़ा टावर जो विदिशा में बनाया गया था वो ग्रीक एम्बेसडर था हेलिडोरस, और वो किसका किस राजा के अंतर्गत था, तो वो सुंगा किंग जो था भागभद्रा के कोर्ट में आया था। तो ये था मिएंडर के बारे में। और लास्टली हम देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो सबसे पहले पहली बात, इमेज वर्शिप इंडिया में शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले किनकी इमेज बन के सामने आती है, वो है बुद्धा।
तो बुद्धा की इंडिया में फर्स्ट टाइम इमेज वर्शिप शुरू हो जाती है, और बुद्धा के बाद उभर के सामने आती है महावीर की। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इंडिया में इमेज वर्शिप शुरू होती है। एंड महावीर के बाद फिर होते हैं शिवा, और शिवा के बाद विष्णु। तो ये आप समझ सकते हैं कि इमेज वर्शिप, जो मूर्ति पूजा या फोटो की पूजा शुरू होती है, वो इंडो ग्रीक की ही देन है, और शिवा के बाद विष्णु। और पहली बार ऐसा होता है कि गोल्ड कॉइन जो है पहले भी इश्यू किए जाते थे, बट उसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती थी। सबसे पहले इंडो ग्रीक रूलर ने ही मॉनेटरी वैल्यू के साथ गोल्ड कॉइन आम लोगों के लिए ट्रांजेक्शन के लिए उतारा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और तीसरा है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट मेनली बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, और ये गंधारा जो कि उस टाइम पे रीजन होता था, पंजाब और थोड़ा सा पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का मिला लीजिए, और तक्षशिला उनका कैपिटल होता था, तो वहां पे उभर के सामने सामने आया, और काफी इन्फ्लुएंस इसका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पे भी रहा। चौथा है इनका ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो सका कैलेंडर यूज करती है, ऑफिशियल सिविल कैलेंडर हमारा सका कैलेंडर है, बट ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज होता है, ऑल इंडिया रेडियो भी करती है, और कम्युनिकेशंस जो गवर्नमेंट करती है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये था। और लास्टली वुडन सैडल्स। वुडन सैडल्स क्या होता है, तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, तो घोड़े के समझ लीजिए पीठ के ऊपर बैठ के चलाने के लिए ये जो आपको दिख रहा है सैडल, ये इंडो ग्रीक की ही देन है। और साथ में ब्लिंकर्स, ताकि घोड़ा सिर्फ सीधे देखे, इधर उधर ना देखे, तो इसके लिए उनकी आंखों पे जो पट्टी लगाई जाती थी ब्लिंकर्स, तो ये भी इंडो ग्रीक की ही देन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा अगले रूलर के साथ, वो है सका, जो कि महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।